गोंदिया जिले के 8 तालुका के कर्मचारी व नागरिक सावधान रहे क्योंकि जिले या तालुका के किसी भी सरकारी व अर्धशासकीय कार्यालय में किसी भी कार्य से जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना होगा, नहीं तो दंड भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, ये सच है। जिले के परिवहन विभाग ने एक सर्कुलर निकाल कर गोंदिया जिले और तालुका के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय को सरकार के निर्देशानुसार हेलमेट अनिवार्य करने को कहा है। कर्मचारी और नागरिकों के लिए ये आवश्यक कर दिया गया है। शासकीय या अधिशासकीय कार्यालयों में किसी भी कार्य हेतु आने वाले नागरिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाए कि वे बिना हेलमेट के कार्यालय में प्रवेश ना करें तथा कार्यालय के कर्मचारियों एवं नागरिकों के विरुद्ध धारा 194 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जो इस नोटिस का अनुपालन नहीं करते या इस संबंध में नोटिस का पालन नहीं करने वाले नागरिकों के संबंध में उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे रिपोर्ट दे कि नागरिक हेलमेट की अनिवार्यता का पालन करते हैं। आता आपण माननीय शासन तसंच माननीय परिवहन आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मोटार कायदा 129 कलम 154 डी अंतर्गत आपण सर्व शासकीय असतील, अशासकीय कार्यालय असतील किंवा ज्या मोठ्या आस्थापना असतील, गोंदिया शहरात असतील किंवा तालुका लेवलवर ज्या आस्थापना आहेत त्यांना आपण पत्र दिलेलं आहे की बाबा आपल्या कार्यालयात जी लोक येतील त्यांना हेल्मेटशिवाय आपण प्रवेश देऊ नये, त्या संदर्भात आपण सूचना फलकावर आपण बोर्ड लावावे आणि असं कोण असेल तर त्यांच्यावरती योग्य ती कारवाई करण्यासाठी आम्हाला कळवावं किंवा कारवाई आपण करायचं पण त्यांना पत्र दिलेलं आहे। असं आपण टाईम लिमिट दिलं नाही, त्या कार्यालयांनी त्यांना पत्र पाहतात आपलं आपलं सुरू व्हायचं असं टाईम लिमिट आपण काही दिलेलं नाही पीसी नाही। पहिल्या आमच्याकडूनही कारवाई करण्यात येईल आणि त्या संदर्भात कार्यालयाकडून कारवाई करणं, दोन्हीकडून कारवाई करणार आणि 194 डी अंतर्गत आस्थापना प्रमुख सुद्धा कारवाई करू शकतात त्यांच्या। NBCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।